हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नेहरू ने IIM और IIT जैसे संस्थान बनवाए और मोदी ने जियो इंस्टीट्यूट। अपनी अपनी औकात की बात है, कहते हैं संजीव भट्ट। मोदी सरकार ने रिलायंस ग्रुप के जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लिस्ट में शामिल कर लिया है, वो भी तब जब ना तो जियो इंस्टीट्यूट बना है क्योंकि ये कंपनी फिलहाल कागजी है। वही इस लिस्ट में दो और निजी यूनिवर्सिटी के नाम है। वही सोशल मीडिया पर इसे लेकर अब मजाक भी बनने लगा है। IPS संजीव भट्ट ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजीव भट्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा है, नेहरू ने IIT बनाए और IIM, मोदी ने जियो इंस्टीट्यूट। अपनी अपनी औकात की बात है, अब इसे मजाक कहा जाए या फिर कुछ और, मगर मोदी सरकार पर इससे पहले भी मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 सार्वजनिक और 3 निजी यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लिस्ट में शामिल किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस संस्थानों के स्तर और उसकी क्वालिटी को तेजी से बेहतर बनाने में मदद करती है और सिलेबस को भी जोड़ा जाएगा। जियो इंस्टीट्यूट पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि ये कंपनी फिलहाल कागजी है। बता दें कि UGC के अनुसार जियो इंस्टीट्यूट 3 साल बाद ही वजूद में आएगा, तो इसके पास अधिक ऑटोनॉमी होगी। जियो को ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अधीन चुना गया है। इंटरनेट पर अगर 2 और कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखें तो बिट्स पिलानी की वेबसाइट पर कोर्स की जानकारी है, मगर जियो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ही नहीं और ना ही उसने कोर्स की जानकारी दी है, इसलिए इसे प्रोजेक्टेड संस्थान कहा गया है। जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट बताने पर भड़के इतिहासकार रामचंद्र गुहा, बोले अंबानी यूनिवर्सिटी पर ये कैसी मेहरबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मुकेश अंबानी का जियो इंस्टीट्यूट अभी चालू भी नहीं हुआ कि इसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु जैसे संस्थानों की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के 6 उत्कृष्ट संस्थानों इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का ऐलान किया है, जिसमें जियो इंस्टीट्यूट का भी नाम है। मंत्रालय ने 3 सार्वजनिक और 3 निजी यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लिस्ट में शामिल किया है। बता दे कि जियो इंस्टीट्यूट अभी प्रोजेक्टेड संस्थान है और अगले 3 साल में यहाँ पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की लिस्ट में शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने जियो इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार द्वारा देश के 6 प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शामिल किए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबानी बंधुओं से करीबी रिश्तों का नतीजा बताया है। कांग्रेस समेत तमाम लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू किए कि ऐसा संस्थान जो अब तक खुला भी नहीं है, उसे उत्कृष्टता का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। सरकार को ये बताना चाहिए कि किस आधार पर यह दर्जा दिया गया है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्विटर के जरिए कहा, अंबानी के विश्वविद्यालय को तरजीह देना जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है चौंकाने वाला है, विशेष रूप में जब कई प्रथम श्रेणी की निजी विश्वविद्यालयों को नजरअंदाज कर दिया गया है। क्या उन्हें अपने विद्वानों की प्रतिभा और आजाद ख्याली के लिए दंडित किया जा रहा है। हालांकि HRD मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की लिस्ट में जियो इंस्टीट्यूट को शामिल किए जाने को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी है। HRD मिनिस्ट्री ने कहा है कि UGC रेगुलेशन 2017 के क्लॉज 6.1 में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए या हालिया स्थापित संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निजी संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि देश को इसका लाभ मिल सके।
मोदी जी खुद तो झूठ बोलते ही है, अब किसानों की बहु बेटियों से भी झूठ बुलवा रहे हैं, कहते हैं दिग्विजय सिंह। एबीपी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दोगुनी आय बताने वाली महिला किसान को कार्यक्रम के दौरान झूठ बुलवाया गया था। चैनल ने दावा किया है कि महिला किसान से दिल्ली से आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने झूठ बोलने को कहा था। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी खुद तो झूठ बोलते ही है, अब किसानों की बहु बेटियों से भी झूठ बुलवा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, मोदी जी स्वयं तो झूठ बोलने का पाप करते हैं और अब किसानों की बहु बेटियों से भी झूठ बुलवा रहे हैं। एबीपी और प्रसून वाजपेयी को इस एक्सपोजर के लिए बधाई। दरअसल पिछले महीने 20 जून को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ किसानों से बात की थी। इसमें एक किसान महिला ने कहा था कि उसकी आय दोगुना बढ़ गई है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। एबीपी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर पीएम मोदी के कार्यक्रम में दोगुनी आय की बात कहने वाली महिला किसान चंद्रमणि कौशिक से बात की। चंद्रमणि ने न्यूज चैनल के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें दिल्ली से आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री पूछे तो कहना कि आय दोगुनी हो गई है। गांव के सरपंच परशुराम भोयर ने भी कहा कि दोगुना बोलने की ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि असल में आय नहीं बढ़ी है। मोदी के तानाशाही रवैये पर मुरली मनोहर जोशी का हमला, बोले अपने मंत्रियों की बात भी माने शासक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों द्वारा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में भागीदारी राजा द्वारा एक धार्मिक शासन का मूल हिस्सा माना जाता था। वर्तमान सरकार पर व्यंग करते ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के हैं। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर व्यंग करते हुए राजसर कैसे शासकों को आचरण करना चाहिए, प्राचीन भारत से सबक नाम का 8 पन्नों का एक लेख लिखा है। जोशी कानपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद और भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। उन्होंने पार पॉलिटिक्स नाम की एक पत्रिका में ये लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने रामायण से लेकर महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन चलाने की सीख दी है। उन्होंने लेख में लोगों की आजादी, किसी भी तरह के डर से उनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और जनता को भोजन देने की सरकार की जिम्मेदारी के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। देश में बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं पर जोशी ने लिखा है कि राजा को अपने भय, आसपास के लोगों के भय और हर तरह के अमानवीय भय से जनता की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि डर में रहना मानवीय मूल्यों के लिए सबसे अपमानजनक बात है। धर्म की बढ़ती राजनीति की आलोचना करते हुए जोशी लिखते हैं कि राजधर्म का मतलब धार्मिक नहीं बल्कि सुशासन है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक कल्याण पर जोर और राजा के व्यक्तिगत चरित्र को पूरे भारतीय इतिहास में इसी संदर्भ में दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उन्नाव और मंदसौर तक जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गुस्से का माहौल बना हुआ है। उस पर जोशी ने लिखा है कि महिलाओं के जीवन और गरिमा की सुरक्षा शासन का प्राथमिक उद्देश्य है। उन्होंने लिखा है कि अगर किसी शासन में महिलाओं को जबरदस्ती उनके परिवारों से दूर कर दिया जाता है तो वो शासन फिर कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा में खत्म होती आंतरिक आजादी पर लिखा है कि हम रामायण में पाते हैं कि राजा अपने मंत्रियों और सेना के अधिकारियों से परामर्श करता था। गृह मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद चीन पर मेहरबान पीएम मोदी, देश की सुरक्षा ताक पर रखकर बैंक ऑफ चाइना को दे दी मंजूरी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति से अपना वादा निभाते हुए उनके बैंकों को देश में आने की अनुमति दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रालय चीनी बैंकों पर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन के औद्योगिक वाणिज्यिक बैंक ICBC की दूसरी शाखा खोलने के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जता दी है। वहीं सरकार ने चीन के बैंक बैंक ऑफ चाइना यानी कि BOC की शाखाएं खोलने को हरी झंडी दे दी है।
जबकि चीनी बैंक के कर्मचारियों की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की भी आशंका है जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है। आईसीबीसी कुल संपत्तियों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी एक शाखा मुंबई में पहले ही संचालित हो रही है। उसने पिछले साल नई दिल्ली में अपनी दूसरी शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास अर्जी लगाई थी। इस पर वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से राय मांगी। गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई है। इसका कारण ये बताया गया है कि आईसीबीसी में चीन के 11 से 12 नागरिक काम कर रहे हैं। यह नियमों का खुला उल्लंघन है क्योंकि बैंक को सिर्फ चीन के 3-4 नागरिकों को ही काम पर रखने की अनुमति है। यही नहीं, खबर के मुताबिक विदेशी नागरिकों के लिए स्थापित क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO में भी आईसीबीसी में कार्यरत चीन के सिर्फ 3-4 नागरिक ही पंजीकृत है। बाकी सभी बिना पंजीकरण के ही अधिकृत रूप से बैंक में काम करते रहे। इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया से बचने के लिए 6 महीने की निर्धारित समय अवधि पूरी होने से पहले ही अपने देश वापस लौट गए। इसी तथ्य के मद्देनजर गृह मंत्रालय का मानना है कि संभव है आईसीबीसी के ये अतिरिक्त कर्मचारी किन्हीं अवांछित गतिविधियों में भी शामिल रहे हो। इसी आधार पर मंत्रालय ने आईसीबीसी को दूसरी शाखा की अनुमति नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।